सत्संग जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। उम्मीद है आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन जी रहे होंगे और इतना प्यार देने के लिए कि हमेशा से ही आप सभी महात्मा, जो भी आप महापुरुषों से दास ने सीखा है, समझा है, सुना है, आप महापुरुषों से साझा करता है, आप उत्साह वर्धन भी करते हैं कमेंट्स के द्वारा, सब्सक्रिप्शन के द्वारा, और एक नई ऊर्जा दास को प्रदान करते हैं। इसके लिए दास आप सभी का आभारी है, आप सभी का शुक्रगुजार है। दातार कृपा करें कि हम सभी के मन में भक्ति के दिए जलते रहें और हम सभी आनंद के स्रोत के साथ भक्ति भरा जीवन जीते रहें। सत्संगत आज का विषय है YouTube और आध्यात्मिकता। सत्संगत, जिस दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं केवल वर्चुअल रूप में ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं। प्रेमचंद्र की एक बहुत अच्छी लाइन है, फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं लेकिन बगीचे की कुछ और ही बात होती है। वो फीलिंग्स आज भी आती है, पारब्रह्म परमेश्वर और सतगुरु के चरणों में ये प्रार्थना है कि बख्शिश करो कि उपनिषदों के वो मंत्र सार्थक हो, सच्चे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्व भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी निरोगी रहें। सत्संगत, सोशल मीडिया का भी अपने आप में बहुत बड़ा, आज के दिन जहाँ इंसान अपने आप में सिमटता जा रहा है। हुजूर बाबा जी ने भी एक बार अपने विचारों में फरमाया था कि मैं खुद दीवाल बन बैठा हूँ, कोई करीब आए तो आए कैसे। सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं कि दीवालें बनानी पड़ी हैं, अपने आप को सीमित होना पड़ा है। एक वो अलग परिप्रेक्ष्य में कहा गया था कि इंसान अपने आप को संकुचित और सीमित करता जा रहा है, लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जितना भी अपने आप को सीमित रखा जाए और परिस्थिति का और सिचुएशंस को देखते हुए अपने आप को जितना भी कंट्रोल रखा जाए, ये ज़रूरी भी है। सत्संगत, क्योंकि कहते भी हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन सच पूछिए तो सोशल मीडिया का बड़ा ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। जहाँ पे हम एक अलग मानसिकता थी कि इंटरनेट का गलत उपयोग हो रहा है, तो वहाँ पे आप भक्तों, महापुरुषों, संतजनों ने ये भी प्रमाणित कर दिया कि इंटरनेट को सही माध्यम में भी यूज किया जा सकता है, आध्यात्मिकता के साथ भी अपने आप को हर समय जोड़ के रखा जा सकता है। सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं वर्चुअल प्रोग्राम्स हो रहे हैं और सत्संगत उसमें हम सभी चाहे देश विदेश के कहीं से भी जुड़ के एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, सतगुरु की सिखलाई।